ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम एक नई रीडिंग के साथ आए हैं और ये रीडिंग कहीं ना कहीं है कि क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते में वापस से रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप बहुत लंबे टाइम से इस रिश्ते में एक दूसरे से अलग हैं, बातचीत नहीं हो रही, होती है तो बहुत कम होती है, आप उन्हें बहुत ट्राई करते हो कि वो वापस से आ जाएं, चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं, हम दोनों में फिर से वो वॉर्म्थ, वो एनर्जी, वो लव अफेक्शन फिर से आ जाए। और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि अब त्यौहार आ रहे हैं, हर एक इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर वापस आ जाए। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम होता है त्योहारों का, जिसमें हम सब अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ रहना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिफरेंट लेवल की रीडिंग होगी। इस रीडिंग में सबसे पहले हम उनकी करंट सिचुएशन देखेंगे और फिर हम उनका जो मेजर सवाल है इस रीडिंग का कि क्या वो वापस आना चाहते हैं, एंड लास्ट में लव ओरेकल कार्ड से आपके लिए मैं गाइडेंस निकालूंगी, ठीक है। सो ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसे जनरल रीडिंग की तरह लेना, ज़बरदस्ती फोर्स मत करना। उनकी करंट सिचुएशन जब आप देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि क्या ये आपके पार्टनर से रिगार्डिंग है या नहीं। अगर मैच होती है तभी देखना, अदरवाइज़ इस वीडियो को वहीं छोड़ देना। सो ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसे नाम, राशि, सन साइन, मून, किसी से भी जिससे आपको मैच होता है उससे ही आप देखिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए फ्रेंड्स, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं ही बात करूंगी एंड आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इस रीडिंग को जल्दी से हम करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, सो स्कॉर्पियो राशि, क्या आपके रिश्ते में रीयूनियन होगा, क्या दिख रहा है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या पार्टनर की अभी करंट सिचुएशन चल रही है, ये पर्सन की सिचुएशन क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, सो इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, सो मैं कार्ड्स रीड करती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। सो फ्रेंड्स, रीडिंग में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को ना लाइफ में एक, जैसे कहते हैं ना, जिंदगी को संभालने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन संभल नहीं रही इनसे जिंदगी। इनकी जिंदगी इतनी बिखरी हुई दिख रही है मुझे इस टाइम कि एक तरफ से इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल अकेलेपन में है, या तो इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है या फिर इन्होंने इतना ज़्यादा गलत कर दिया है कि लोगों ने इन्हें अबैंडन कर दिया है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। सो बहुत ज़्यादा अलोन और लोनलीनेस इन्हें फील हो रहा है, इनको समझ अभी कुछ आ नहीं रहा कि मैं अपनी सिचुएशन को कैसे संभालूं, कैसे मैं अपनी लाइफ को संभालूं। और आप अगर ये देखें कि कोशिश बहुत है कि मैं बैलेंस कर दूं, लेकिन कोशिश के लिए एफर्ट भी तो करना पड़ता है। जब आप शांति क्रिएट नहीं कर पाओगे तो फिर आप बैलेंस कहाँ से कर पाओगे, क्योंकि आप देखो सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स आया। रिवर्स का मतलब होता है कि लाइफ में नो शांति, नो क्लैरिटी, हमेशा केओस मचे रहना, प्रॉब्लम्स में रहना, झगड़े करते रहना। और जस्टिस के कार्ड से ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इनका कोई डिस्प्यूट भी चल रहा हो, लीगल मैटर भी चल रहा हो, या फिर आपके साथ ही जो चीज़ें इनकी अभी चल रही हैं जिसे ये हैंडल नहीं कर पा रहे, वो भी हो सकता है, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड से तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहे हैं इस टाइम हताश हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को इन्होंने गिव अप कर रखा है, छोड़ रखा है और बस जिंदगी इनसे संभल नहीं रही है, ऐसी सी सिचुएशन है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि क्या ये अब इस जिस तरह से इनकी एनर्जी है वो तो काफ़ी अजीब है। सो क्या ये रीयूनियन चाहते हैं, क्या है इन्हें कि भाई मैं रीयूनियन कर दूं और वापस से अपने पार्टनर के पास चला जाऊं और चीज़ों को ठीक करूं। सो यहाँ पर भी देखो जस्टिस का कार्ड आया है, हैंगडमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स आए हैं जो इनकी करंट सिचुएशन में है ना, ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स और ये वाला कार्ड था पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे तो फ्रेंड्स
ऐसा लग रहा है कि वही सेम कहानी जो इनकी करंट सिचुएशन में चल रही है कि मुझे चीज़ें संभालनी हैं, मुझे एफर्ट करना है, मुझे अपने पार्टनर को ये दिखाना है कि मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ये। लेकिन जो इन्होंने जो चीज़ें कर ली हैं, जो गड़बड़े हुई हैं इनसे, जो जो कहानियाँ बन चुकी हैं, वो बहुत गड़बड़ हो गई है। ऐसा क्या है? आई जस्ट वॉन्ट टू सी स्कॉर्पियो, क्या है आपके पार्टनर ने ऐसा क्या किया है? बिकॉज मेरे को बहुत करंट सिचुएशन में भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे दिख रहा है इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है बहुत बार, या तो बहुत बार या बहुत देर से। और इस अकेलेपन को छोड़ने के बाद अब इन्हें रियलाइज होने लगा है कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने पार्टनर को अकेला छोड़ा। ये चीज़ इनके कहीं ना कहीं माइंड में बहुत ज़्यादा धक्का देती है, या बहुत ज़्यादा इनको सोचने पे मजबूर करती है। और अभी मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये जो डिसीज़न इन्होंने अपनी लाइफ में लिए, क्या मैं इसे वापस से ठीक कर सकता हूँ? मतलब एक इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहाँ से वो निकल ही ना पाए, आप सोचें कि उसको कैसा लगेगा। सो मुझे जो दिख रहा है कि ये अपनी खुद की ही बनाई हुई कहानी में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि इन्हें वहाँ से ही बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा। बिल्कुल मुझे यहाँ कोई रियूनियन नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान दिख रहा है जो अपने ही खुद के बनाए हालातों में फंस चुका है और उसे कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। सो अब मैं आपके लिए देखती हूँ कि आपके लिए है कोई डिवाइन गाइडेंस, आपको लव ओरेकल से क्या गाइडेंस मिलती है। ट्रस्ट का कार्ड आया है फ्रेंड्स। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। देखिए आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो बदलाव आते हैं ना जिंदगी में, ये तभी आते हैं जब हम एक्सेप्टेंस लाते हैं। देखिए जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि हाँ ये इंसान ऐसा ही है। हम क्या करते हैं जब हम कभी भी लव अफेयर में पड़ते हैं, शादी करते हैं, हमें लगता है कि हमें तो सपनों का राजकुमार या राजकुमारी मिलेगी। लेकिन जब धीरे 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 हम उसके साथ रहने लगते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो बड़ा नॉर्मल सा इंसान है, इसने तो ये नहीं किया, इसने तो वो नहीं किया, ये तो ये नहीं करती, वैसा नहीं करता। हम उसमें 100 कमियां निकालने लग जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते कि इन द सेम वे हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सामने वाला गलत है तो आप भी गलत हो, या बट रेशियो तो वही रहता है, किसी का ज़्यादा तो किसी का कम। दूसरा, हमारी जो सिचुएशन चल रही है उसको क्या हम एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ अब किसी कोई इंसान का नेचर है ऐसा, तो क्या उसे हम बदल सकते हैं? कभी भी नहीं बदल सकते। जो चीज़ें 25 साल 30 साल तक एक इंसान करता रहा, क्या आप उसे बदल दोगे? बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, वो पक चुकी है, वो उसकी हैबिट है। हाँ कुछ लोग कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का, बट बहुत कम लोग हैं। बट हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मेरे लिए बदल, तुम मेरे लिए ऐसी चीज़ें करो। आप समझ रहे हो, करने वाले करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, बट आप सोचें कि कोई कंप्लीटली बदल जाएगा, नहीं। तो उसमें कब आपके लिए बेटर है, आपको एक्सेप्ट करना होगा रियलिटी को। और जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे सिचुएशन को, तो आपकी लाइफ अपने आप ही बेटर हो जाएगी, ठीक है। एंड अगला है पावर का कार्ड। पावर का कार्ड कहता है कि आपको पता है व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे फ्रॉम इट एनी टाइम। यानी आपके पास इतना पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन से, चीज़ से भाग सकते हो, निकल सकते हो। सो ये आपको डिसाइड करना है भाई स्कॉर्पियो, ठीक है। फ्रेंड्स बहुत अच्छी रीडिंग आई और बहुत क्लैरिटी वाली रीडिंग थी। बाकी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना मुझे कॉमेंट करके, और सब्सक्राइब करना नहीं किया चैनल को। बाकी मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।